So children, now let's go through the second principle of management, and the name of the principle is authority and responsibility. For that you should know the literature meaning of authority and responsibility. Authority, what is the meaning of authority? Authority means to give orders, to give instructions and to obtain obedience. And responsibility is corollary of authority. Authority and responsibilities always go together. Where there is authority, somebody is responsible for that work also at that place. Fuel stressed that right and power to give order should be balanced by the responsibility for performing the necessary functions. Means there should be a proper balance in authority and responsibilities. A manager's authority may be official or personal. So what does it mean? It means that there are two type of authorities. One is official or a formal authority and is informal or personal authority. It is official when it is derived from his position. It means that whenever any authority, कोई भी authority हमें हमारी position से मिले, तो वो कौन सी हुई? Formal or official authority. And it is personal when it is, when it arises from our intelligence. ठीक है, जब हमारी अपनी इंटेलिजेंस, अपनी एबिलिटी, अपनी पुरानी जो हमने काम किए होंगे अच्छे, उसकी वजह से अगर हमें कोई अथॉरिटी मिलती है, that yes, you have done this work earlier, so now you are responsible कि ये काम कैसा होता है ये आप देखो. तो वो कौन सी अथॉरिटी हुई? वो पर्सनल अथॉरिटी हुई जो हमारे पर्सनल अचीवमेंट से हमारे पास आती है. लेकिन हमारी पोजीशन, इफ यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी, तब कोई अथॉरिटी है तो वो ऑफिशियल या फॉर्मल अथॉरिटी होती है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट देर आर टू टाइप ऑफ अथॉरिटी, ऑफिशियल एंड पर्सनल. To be a good manager, एक अच्छा manager कैसे बन सकते? Means to be a good manager, both official and personal authority are required. It is easy to measure the degree of responsibility and the weight of authority at lower level, but this comes progressively difficult as one moves higher. Fuel said that the result of authority is responsibility. Means अगर हमारे हमें किसी चीज की authority है तो हम उस चीज के लिए responsible भी हैं. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टूगेदर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. अगर मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं ये काम करवाऊंगी तो मैं ही, अगर वो काम गलत होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? मैं ही हूं. सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टूगेदर. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी. एंड एसेंशियली अनदर आस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, एंड वेन एवर अथॉरिटी इज यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑटोमेटिकली बॉर्न. जब भी हम अपनी अथॉरिटी यूज करते हैं उसके रिजल्ट्स के लिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी आर रिस्पॉन्सिबल. सो नाउ यू अंडरस्टैंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स अथॉरिटी जब भी अराइज होगी तो आपको अपने काम के लिए, ऐसा नहीं कि एक मैनेजर सिर्फ अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शंस ही दे, ऑर्डर्स ही दे, उसको अपने ऑर्डर्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए. सिर्फ वो ऑर्डर्स नहीं दे सकता जूनियर्स को, उसको ये भी देखना है कि मैं ऑर्डर्स ऐसे दूं कि मेरे जूनियर्स मेरे दिए हुए काम को टाइम पे कंप्लीट कर पाए. गलत वो करेंगे, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल तो मैनेजर होगा ना. काम ठीक है जूनियर्स करेंगे, बट हु इज आंसरेबल? उनसे काम लेना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजर की. क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, मैनेजमेंट क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. दूसरों से काम करवाना भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. सो लेट्स स्टडी द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हम इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर इसको फॉलो कर रहा है प्रॉपरली, इस प्रिंसिपल को, तो उसको क्या पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे. इट हेल्प्स इन अचीविंग टारगेट्स. ठीक है, हम अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे. देन इट हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले. अगर हम अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझेंगे तो क्या होगा, हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारियां टाइम पे खत्म कर लेंगे. ठीक है, एंड इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज. ओके, नाउ इफ वी डू नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, देन व्हाट आर द वायलेटिंग इफेक्ट्स? मींस द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इफ दैट प्रिंसिपल इज एब्सेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट इज मिसयूज होगा आपकी अथॉरिटी का. अगर ज्यादा अथॉरिटी जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अथॉरिटी अगर आपने दे दी तो क्या होगा, मिसयूज होगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, है ना. हम इस प्रिंसिपल को फॉलो कर ही नहीं रहे, सिर्फ अथॉरिटी तो अथॉरिटी दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा ही नहीं है, तो क्या करेंगे? अथॉरिटी को बहुत ही हम वेरी हम उसको यूज कर लेंगे और मिसयूज हो जाएगा उसका. नेक्स्ट,
नेक्स्ट इफेक्ट इज डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन केस लेस अथॉरिटी इज गिवन. अगर प्रॉपरली हम नहीं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे रहे हैं, अगर हमने कम अथॉरिटी दे दी तो टारगेट्स को तो प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएंगे. मीन्स टारगेट अचीव करने के लिए प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में. ज्यादा अथॉरिटी दोगे तो मिसयूज हो जाएगी, कम अथॉरिटी दोगे तो हम टारगेट्स रिसीव अचीव नहीं कर पाएंगे. देन डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज इन केस अथॉरिटी इज गिवन. एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाएगा. In case the desired results are not obtained, accountability of the employees cannot be fixed. Means, अगर हमने अपने targets achieve नहीं किए तो कौन उस चीज के लिए responsible है कैसे पता चलेगा, अगर हमने किसी को authority दी ही नहीं होगी तो. इसलिए proper authority और responsibility बहुत सोच समझ के हर post पे, हर level पे हमें delegate की जानी चाहिए. इस principle में यही पता चलता है हमें कि authority जहाँ है वहाँ responsibility भी है, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ और बैलेंस्ड वे में जाना चाहिए. ज्यादा हो जाएगी तो मिसयूज होगा, कम हो जाएगी तो टारगेट अचीव नहीं होंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्रिंसिपल.